हाय हेलो गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं चावल धो रही थी एक्चुअली, क्योंकि चावल मैं सुबह सुबह ही आज बना रही हूँ, क्योंकि कल रात का थोड़ा सा मटन बच गया था, मैंने ज़्यादा खाया नहीं था। तो ये देख लो गाइस, आज चावल में पानी में कितना वाइट पानी निकल रहा है, मतलब कितने ज़्यादा केमिकल मिलाए जाते हैं इन सारी चीज़ों को। तो कुछ भी खाओ, बिना धोए तो खाओ ही नहीं। तो बगल में मैंने दूध भी चढ़ा रखा था, तो दूध तो उबलने ही वाली थी। और ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि थोड़ा सा भी नज़र हटी तो मानो कि दुर्घटना घटी। मतलब अगर आप देख रहे हो तो सही है, अगर नहीं देखोगे तो तुरंत वो उबल के ऊपर आ जाएगी। और साथ ही साथ मैंने चाय भी खुद के लिए बना ली है, ज़्यादा चाय तो पीऊँगी नहीं, पिछले बार तो ज़्यादा चाय बन गई थी। तो एक कटोरी चाय मैंने बनाई है, छोटा कटोरी है, ज़्यादा बड़ा कटोरी नहीं है। कल मेरी चाय बन के रेडी हो चुकी है। और ये देख लो फ्रेंड्स, मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। मतलब मैं चाय छानने गई थी तो थोड़ा सा गिरा भी लिया है मैंने, तो साफ मैं कर लूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे इस तरह अच्छी नहीं लगती रखी हुई। तो उसके साथ ही साथ मैंने चाय के साथ दो केक ले लिए हैं छोटे छोटे, एक मेरे लिए एक मेरे हस्बैंड जी के लिए। और चाय सिर्फ एक ही ग्लास है, क्योंकि चाय सिर्फ मैं पीती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं पीते हैं। मैं चाय पीने के लिए यहाँ पे खिड़की पे आई हूँ, बैठी हूँ, मुझे यहाँ ही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है चाय पीने। लेकिन ये मैडम आ गई, इसे मैंने दूध देके यहाँ पे सुला दिया था, लेकिन इतना खाना तो खाना नहीं है इसे, आके मेरे खाने में इसे चक्के लेना है ना, नहीं मिलेगी हमारे लिए, नहीं है ये। ये चीजें एक्चुअली खाती नहीं है, इसे नमकीन चीजें ही ज्यादा पसंद है। आखो टेस्ट करके तो देखो, लो लो लो, नहीं खाएंगे। ये देख लो, मतलब मैंने छोटा वाला टेबल मैंने अभी निकाला कि खुद मैं पढ़ूंगी, और मैडम उस पर चढ़ के फुर्सत। टाइम भी इसे नहीं लगता है, इसे तो टाइम भी नहीं लगता है करने में कुछ भी। अरे वो तुम्हारे बैठने के लिए वो नहीं है, ये मेरे पढ़ने के लिए है बेटा, उतरो वहां से। क्या करूं मैं इसका बताओ, इतनी शरारती हो गई है आजकल, ये अभी गिरेगी ना, वहां से उतरने चाह रही है, कैसे उतरूं? देखो देख लो, चलो गाइस देखते हैं हम कि ये उतर पाती है कि नहीं। जब ये लास्टली नहीं उतर पाई तो इसके पापा इसे उतरने में मदद कर रहे हैं, कि ऐसा ये समझे कि ये खुद से ही उतरी है। मतलब इसे इसका लॉजिक लगा रहे हैं कि किधर से उतरोगी। और उसके बाद मैं फिर बैठ गई पढ़ने, क्योंकि मेरा असाइनमेंट का आज लास्ट डेट था, और इसलिए मैं सोच रही थी कि जो भी थोड़े से कंक्लूजन है या फिर कुछ बाकी है सबको कंप्लीट कर लूँ आज। लेकिन मैडम की उपस्थिति तो सब जगह जरूरी है, इसे तो सब जगह आनी है। बट फिर मैंने उसे सुला के फिर मैं पढ़ने बैठी, उसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि चावल बन गए थे और मटन तो रात का ही था, मैंने खाया नहीं था रात को। खाने दे दूंगी, उसके बाद ये फिर जाएंगे बाहर, तो जल्दी मैं दे देती हूँ खाने के लिए, उसके बाद मिलते हैं गाइस आपसे। तो अब ये भी जा रहे हैं, और अब मुझे इशू को अकेले संभालनी है। फिलहाल जा चुके हैं और अब मैं इशू को रेडी करूंगी अभी, कि मैंने इसे सुला दिया है, और जब तक ये सोती है तब तक मैं फ्रेश होकर आ जाती हूँ। सो मैं फ्रेश होकर आ चुकी हूँ, और अभी तक इशू सो ही रही है, तो जब तक इशू सो रही है तब तक मैं छत पे जाके कपड़े सूखने दे देती हूँ, क्योंकि फिर वो उठ जाएगी तो मैं छत पे जा नहीं पाऊंगी। आज ज़्यादा ही देर ये सो गई तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। और इशू के पापा अभी तक आए नहीं है, और मैंने वहाँ पे तो रॉड रखा है, यहाँ पे रॉड नहीं रखा है गर्म करने वाला पानी। तो क्या होता है ना कि यहाँ एकदम ठंडा ठंडा टंकी वाले पानी से नहाना पड़ता है मुझे, जिससे बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है पानी, ठंड के दिन में तो और ज़्यादा ठंडा हो जाता है। जब भी छत पे जाती हूँ वहाँ तो मुझे घूंघट लेना ही पड़ता है, साथ ही साथ यहाँ पे भी मुझे घूंघट लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे अगल बगल सारे मेरे जान पहचान के लोग ही रहते हैं। चलो चलते हैं नीचे गाइस। सुने सुबह से पॉटी आज नहीं की है, तो आज मैं इसके पीछे दौड़ रही हूँ सुबह से ही, कि ताकि ये पॉटी कर ले। कैमरा को छोड़ दो बेटा। लेकिन ये मैडम आज इसे क्या जो हो गया है पता नहीं, खेली जा रही है खेली जा रही है, पॉटी करने का तो इसे याद भी नहीं है। नहाती हूँ क्योंकि आज सुबह ही खाना खा लिया था, तो थोड़ी सी भूख लग गई है हम लोगों को, हल्का फुल्का नाश्ता बना दूँ। एक्चुअली कल एक सेवई का पैकेट यहाँ पे था, तो कल मैंने उसे खोल दिया था न्यू का न्यू। तो अब मैं जाऊँगी, पता नहीं अब कितने दिनों के बाद आना होगा, शायद 10-15 दिन के बाद,
तो तब तक शायद ख़राब हो जाएगी पैकेट का जो सेवई है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि उस सेवई को कुछ नमकीन बना देती हूँ, क्योंकि मीठा तो इनको पसंद नहीं है, मीठा तो मुझे ही सिर्फ पसंद है, तो ये तो खाएंगे नहीं, इसलिए कुछ नमकीन ही उसका कुछ बना देती हूँ। जैसे मैगी को उबालते हैं, चाउमीन को उबालते हैं, उसी तरह सेम टू इसे भी उबालना है। तो गाइस मैंने इशू को कहाँ बिठा दिया है, ये अकेली रह ही नहीं रही थी, तो मैं क्या करती, इसे भी मुझे किचन के पास किचन में ला के बिठाना पड़ा, और मैं यहाँ पे सब्जी काट रही हूँ। क्या कर सकते हैं जब बच्चे रहेंगे नहीं, तो बच्चों को लेके साथ में काम करना पड़ता है। नमकीन सेवई बनाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए गाइस, बस जैसे चाउमीन बनाते हो वैसे ही सेम प्रोसेस है इसका। बस तेल लो, उसमें आप थोड़ा सा लहसुन और प्याज और हरी मिर्च डाल लो, इसे फ्राई कर लो थोड़ा सा ब्राउन होने तक, और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा धनिया का पाउडर, मैं लाल मिर्च यूज़ नहीं करती हूँ, और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा मीट मसाला नहीं है तो गरम मसाला, दोनों एक ही जैसा टेस्ट आएगा, थोड़ी सी हल्दी, बस इसे अच्छे से फ्राई करके इसमें आप सेवई डाल दो। ये गर्मा गर्म सेवई चाउमीन बनके रेडी हो चुका है, और ये बहुत टेस्टी यमी लग रहा है देखने में, पता नहीं खाने में कैसा होगा। चीज़ का ध्यान रखिएगा गाइस कि ये जो सेवई होते हैं ये बॉयल होने में बहुत कम टाइम लगता है, मतलब मैगी वगैरह से बहुत कम। मैं इसे लेके बैठी हुई हूँ, इसे शायद ये थोड़ा सा इधर उधर देखेगी तो चुप रहेगी, शांत रहेगी, एक्चुअली इसे नींद आ रही है इसलिए ये रो रही है, तो यहाँ पे बैठ बैठ के मैं इसे सो जाएगी। फिर देखो इसे रोना आता नहीं है, ये सिर्फ नाटक करती है ना। फाइनली ईशू को सुलाने के बाद अब मैं आ गई हूँ रोटियाँ बनाने के लिए, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे ज़्यादा रोटियाँ बनानी नहीं पड़ती है, कमी 8 बनाती हूँ, हो जाता है तो जल्दी बन जाती है। मैं यहाँ पे लेट खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि कम रोटियाँ बनानी पड़ती है तो जल्दी बन जाती है, इसलिए लेट ही बनाती हूँ। तो चलो गाइस, तो ऐसे मैं रहती हूँ अपने दूसरे वाले घर पे, और मुझे अकेले यहाँ पे सब चीज़ हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि ईशू एक बच्ची है अभी, सबसे ज़्यादा इसी को लगता है मेहनत। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बट जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।